नए साल के जश्न पर जहां आतंकी संगठन लश्कर की नजर है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी आतंकियों के निशाने पर हैं। खुफिया जानकारी जो मिली उसके मुताबिक 15 से 20 ट्रेंड आतंकी भारत में तबाही मचाने के मकसद से दाखिल हो गए हैं, बॉर्डर्स को क्रॉस कर चुके हैं। आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसद, परमाणु संयंत्र सहित कई सरकारी संस्थान हैं। आपको यहां बता दें कि कल गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया था कि आतंकी नए साल के मौके पर भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद सोमवार को दिल्ली में अजय डोभाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अब खुफिया एजेंसियों के हाथ ये खबर लगी है कि आतंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना सकते हैं। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या अपडेट है और क्या तैयारी है नए साल के खतरे से निपटने के लिए? मनीष देखिए निहार, का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने जो इंटरसेप्ट की हैं, तमाम कॉल्स इंटरसेप्ट की हैं, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि मुंबई की तरह, मुंबई जैसा हमला हुआ था उसी तरीके से एक और हमले को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा की तरफ से। और उनके निशाने पर जैसा कि पीएम पार्लियामेंट और तमाम इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ के जो ऑफिसर्स हैं उस पर भी खतरा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, स्पीजन को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन फिर भी जो तमाम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास ऑफिस के पास में जो दूसरे ऑफिस हैं उन पर खतरा है। सिक्योरिटी जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि सिर्फ पीएम मोदी नहीं, हो सकता है कि कोई ऐसे जहां पार्टी चल रही हो या मॉल्स हो वहां पर भी इस तरीके से इसको कॉम्बैट और काउंटर करने के लिए गृह मंत्रालय सतर्क है, खुफिया एजेंसियां सतर्क है। बहरहाल अपने दर्शकों को आपने अपडेट किया, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।